राजस्व में आज तक हमारा कोई काम नहीं किए हैं। वोट लेना होता है तो माँ बहनों को पैर पकड़ते हैं, जब जीत जाते हैं तो हमारे गांव में मुंह नहीं दिखाते हैं। हमारे गांव में जब महिला का डिलीवरी होना होता है तो हम 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें। भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, कोई अगर ऐसा हो जाता है कोई देखने भी नहीं आता है, ना ही कोई सुविधा मिलता है। हमारे घर के आगे नाली नहीं है, हमारा शौचालय नहीं मिला, हम खुले में जाते हैं, सब लोग मजाक बनाते हैं। और हमारा जो समूह चला रहे हैं नरेगा का कार्ड बना है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे गांव का नाम निजिमावाड़ ढोराडाम है, ये क्षेत्र किच्छा क्षेत्र में आता है। इनके विधायक राजेश शुक्ला जी हैं, इनके कार्यकाल में हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। कीचड़ से भरे रास्ते हैं और बच्चों को इतना दिक्कत होता है, स्कूल जाते समय अगर गिर जाते हैं तो बेचारों का बैग वहीं खराब हो जाता है, बुक खराब हो जाती है। हमारी माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उनकी जब डिलीवरी होती है उसके लिए हमारे यहाँ कोई अस्पताल वगैरह कोई सुविधा नहीं होती। उसके लिए अगर हम यहाँ से आप एग्जाम्पल कर लो कि अगर आज की प्रेग्नेंट है और उसको अस्पताल ले जाना है तो यहाँ तक गाड़ी भी नहीं आती, उसके लिए 1-2 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है। तब तक क्या हो जाए क्या ना हो उसका जिम्मेदार कौन है। जब भी चुनाव आता है राजेश शुक्ला और उनके साथी आके बोलते हैं कि ये गांव हम राजस्व गांव कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। राजेश शुक्ला को वोट हम लोग नहीं देंगे। राजेश शुक्ला ने कहा था कि ये रोड बनाएंगे, उन्होंने जब वोट हो गया इधर झांकने भी नहीं आया। वोट के टाइम पे तो राजेश शुक्ला जी भी आते हैं, उनकी पत्नी भी आती है हाथ जोड़ के, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तब कोई नहीं आता यहाँ पे। राजेश शुक्ला जी हम लोगों को कुछ नहीं दिए, ना नाली दिए है, ना हमारे घर के पास कोई सुविधा है। अगर राजेश ग्राम का मामला हल नहीं होता है तो मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ खुले दिन से विरोध भी उतना ही होगा जितना कहीं नहीं हुआ होगा। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के नजीबाबाद थोरा ट्राम ग्राम सभा में मैं इस समय खड़ा हूँ। ये किच्छा का आखिरी गांव है, इसके बाद सितारगंज विधानसभा शुरू हो जाती है। आज चर्चा एक किस्से से करते हैं। जंगल का राजा शेर होता है और शेर के खिलाफ जानवरों में बगावत शुरू हुई कि हर बार राजा शेर को क्यों बनना चाहिए। शेर की जगह जानवरों ने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। एक बार शेर ने मेमने का शिकार किया और सारे जानवर बंदर से ये गुहार लगाने लगे कि भाई इसको बचाया जाए। बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ करने लगा। सारे जानवर कहने लगे महाराज बचाइए, नहीं तो मेमना मर जाएगा। बंदर ने कहा कि काम हो या ना हो मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। ये किस्सा किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला पर फिट बैठता है। नजीमाबाद का ये गांव दलितों का गांव है, यहाँ पर कोई भी काम विकास कार्य का नहीं हो पाया है। पिछले 15 साल से यहाँ पर इंदिरा आवास नहीं बन पाए हैं, सड़कें नहीं बन पाई हैं, पेंशन शुरू नहीं हो पाई हैं, खरंजा पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि दलितों का अपना एक मंदिर, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। राजेश शुक्ला यूं तो 4,000 करोड़ के विकास कार्य करने का दावा किच्छा विधानसभा में करते हैं, लेकिन ये हवा हवाई और जुमलेबाजी ज़्यादा लगता है। जमीन पर अगर हम देखें तो काम नगण्य नजर आता है। कुछ गाँव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी अपनी समस्याएँ क्या हैं। समस्या हमारे गांव को अधूरा काम है, हर काम हमारा रुका पड़ा है। ये जो है हमारा विकास जो है 15 साल पहले से हमारा कोई मकान नहीं मिला, न खड़मजा हुआ, नाल सिसियन हुआ। ये मंदिर का काम 5 साल से हमारा जो है लगा हुआ है, हमारे काम अधूरा है। जो कि वो शुक्ला विधायक जी बोला कि ये जमीन हमने अलटमीट करा देंगे, आज लो हम लोग की अलटमीट जमीन नहीं हुआ। ये MP से MLA तक ले इस मामला को हम लोग पहुँचाया और लड़ाई के हम लोग लड़ाई लड़ते हुए हमारी डिग्री है, लेकिन हमारी जमीन को कोई अभी कागजात मिला नहीं थी। यही काम है, हमने बड़ा जोड़ लगाया हम लोग तो थोड़ा आंगनबाड़ी बना, ये बहुत जोड़ लगाया, उनको वोट दिया तो जा करके थोड़ा मंदिर बनाया, वो भी हमारा काम पूरा अधूरा पूरा नहीं हो पाया। तो राजेश शुक्ला जी से आप क्या कहना चाहेंगे? रूपेश शुक्ला से यही कहते हैं कि ये काम उठाया तो बना दो, इसको बनाओ हमारे काम को, तो वो बनाएगा तभी ना, बनाता नहीं है। तो 2022 में चुनाव है, चुनाव में फिर राजेश शुक्ला जी वोट मांगने आएंगे और काम आपके ग्राम सभा में हुए नहीं है, तब क्या कीजिएगा? पार्टी बदल देंगे, कोई जो रमेश शुक्ला के हाथ से थोड़ी बिका हुआ है भाई। बार बार हमको धोखा आप देते रहेंगे MP MLA होकर के, तो हम आपको पीछे कब तक रहेंगे? पर हमारा काम होना चाहिए, हमको खाना मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, हर चीज हमको सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि हम SC का लोग है, हमारे ऊपर बेसिक कर को ध्यान नहीं देता है, बहुत 1 रुपया में 4 आना ध्यान देता है। हमारे ग्राम सभा नजीमाबाद ढोराडाम को बहुत दिक्कत परेशानी होती है आने जाने में, स्कूल जाते हैं बच्चे उनको भी परेशानी होती है, और बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलती, आवास नहीं है, रोड भी नहीं है, कई समस्या हैं।
लेकिन धीरे 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 देखते देखते 15 साल करीब हो गया, लेकिन अभी तक किसी का काम पूरा हुआ नहीं। तो राजेश शुक्ला जी 10 साल से विधायक है, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अभी तो फिलहाल में नहीं है संतुष्ट। अभी देखिए आपके सामने मंदिर है, अभी अधूरा, 7.5 साल तो हो ही गया लमसम, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं। विधायक जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि यहीं पे किछा और सितारगंज दो विधानसभा लगती है। सितारगंज विधानसभा में हर किसी का इस समय आवास आ रहा है। विधायक जी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि भाई हम इसको राजस्व में जुड़वा दें। चलिए राजस्व में नहीं, अगर इसको जुड़वाए स्वामित्व योजना में भी, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर जुड़वा देते हैं तो और कुछ नहीं तो सब किसी का इंदिरा आवास वगैरह जो कुछ भी होगा परेशानी बहुत सारी दूर होगी, लेकिन कहीं से कहीं तो उसका कोई चर्चा ही नहीं। ये किनारे की रोड है, देख लीजिए ये 180 मीटर ना जाने कई बार मैंने कह दिया। अब यहाँ से ये देखिए ये लगने वाला है, इधर से इसका कोई मतलब ही नहीं है। कई एक सारे रोड बनने, कई एक सारे कुछ, हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी 10 साल में पहली बार बजट 3 लाख की सेक्शन हुई थी और दूसरी बार में 5 लाख में सिर्फ ये गुंबज बना भी नहीं है अभी पूरा। 10 साल विधायक बने हुए राजेश शुक्ला जी को हो गए, उनके काम का मूल्यांकन आप किस तरीके से करते हैं? नहीं, काम का मूल्यांकन हम उनको अनाप शनाप तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्वागत है उनका यही कि भैया इसको बना दें। ये हम लोगों की जितनी भी कमियाँ हैं, उन्होंने राजस्व में जोड़ने की बात करी थी, राजस्व में इसको जोड़ दें या यहीं पास में। क्यों उनके इंदिरा आवास बन रहे हैं, क्यों हमारे नहीं बन रहे हैं, इस विषय पर भी कोई विचार करके करवाएं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर हर आदमी को भाई अपना नेता बदलने को अधिकार पर्याप्त है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम ग्राम सभा है नजीमाबाद धौराडांव। गांव में पूर्वांचल के दलित, राय सिख अल्पसंख्यक व बंगाली नमोशूद्र समाज के लोग रहते हैं। तकरीबन 50 साल पुराने इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। गाँव के लिंक मार्ग कच्चे हैं या कुछ जगह टूटे खड़ंजे हैं। वनभूमि की जमीन पर बसे ग्रामीणों को ना तो जमीन पर मालिकाना हक है और ना ही उनका गांव राजस्व गांव में दर्ज है। सर, हमारे गांव धोराडाम नजीमाबाद के साथ सम्मिलित है। धोराडाम बहुत पुरानी, बहुत दिनों से लोग यहां बसते हैं, कम से कम 50 साल हो गए लोगों को बसते हुए, और बहुत ही बुरी दशा है। विधायक शुक्ला ने वादा किया था कि मैं राजस्व गाँव का दर्जा दिलाऊँगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भगत सिंह कोश्यारी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, पिछला विधानसभा इलेक्शन में आए थे, उन्होंने वादा किया था। गुरुद्वारे में आके इन्होंने सभा की, गुरुद्वारे में कसम खाई, विधायक ने भी कसम खाई थी, मत्था टेका था गुरुद्वारे में कि मैं बाबा नानक को मान के कहता हूँ कि मैं अगले मेरी सरकार बनते ही मैं राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाऊँगा, लेकिन अभी तक साफ कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। विधायक जी आएंगे, राजेश शुक्ला जी आएंगे तो मना किया जाएगा, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इनको। विधायक जी कभी कभी आते रहते हैं, वो हमारी कई समस्याओं को अवगत कराते रहते हैं समय समय पे। कि हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। बिजली यहाँ पे आती है जैसे बारिश हो जाए, बारिश के टाइम मान लो एक दिन बारिश होगा तो कोई ना कोई खंभा गिर जाएगा, उसको चालू होने में 3 से 4 दिन लगती है, तब तक जनता त्रस्त हो जाती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत छा का सबसे दूरस्थ ग्राम पंचायत है, इसके बाद किच्छा खत्म है, सितारगंज शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ी समस्याएं हैं। जंगल का क्षेत्र है तो यहाँ पे जानवर का बहुत पालन होता है, अब वो जानवरों के लिए भी यहाँ पे कोई सुविधा उतनी है नहीं। एक डॉक्टर साहब बस आते हैं, वो घर घर में आके कभी कभी चेक करते हैं, लेकिन उस तरीके से कोई उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। शिक्षा के लिए हाई स्कूल है लेकिन इंटर कॉलेज कोई नहीं है। लगभग 4200 मतदाताओं वाली इस ग्राम सभा में लाहौर पार्टी, कोटखर्रा, आचार्य कॉलोनी, दीवान पार्टी, राजा राम लाइन व जीरो बधा कॉलोनियां शामिल हैं। गांव में 2 प्राथमिक व 1 जूनियर स्कूल है, लेकिन हालत दयनीय है, गांव से विकास कोसों दूर है। राजेश शुक्ला जो है हमारी पूरा राजेश ग्राम के दर्जा दिलवाएं, जो चौहदी बाकी है वो कराएं, मंदिर बाकी है वो कराएं, कुछ रोड रह गया 800 मीटर वो पक्का कराएं, इंदिरा आवास भी रह गया है 10 साल से बकाया रह गया है। तो राजेश शुक्ला जी से कह रहे हैं कि यह काम को पूरा कराइए। इस ग्राम सभा में कम से कम 60 साल से ऊपर से लोग यहाँ निवास करते और आज तक इनको मालिकाना हक नहीं मिला। दुख इस बात का है कि कोई इंसान हमारे यहाँ मंदिर में गुरुद्वारे में आज कसम खाता है आप हमें वोट दो, चुनाव जीतने के बाद आपका मालिकाना हक हम दिलाएंगे, और नहीं दिलाते हैं तो दोबारा हम इस गाँव में नहीं आएंगे। तो उन इंसानों का ये वादा कहाँ गया? हमारे विधायक जी हैं, इनको भी 10 साल पूरा होने जा रहा है, हर बार चुनाव में उनका यही वादा रहता है कि इस बार 100 ग्राम का दर्जा हम लोग पूरा करके देंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। अगर विधायक जी को
मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर आपको इस ग्राम सभा से वोट लेना है तो राजस्व ग्राम का लेटर कॉपी पूरा कंप्लीट हमारे पास लाएं और हमें दिखाएं। आपके पीछे हम जच्चा बच्चा जितने भी लोग हैं सब जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे यहाँ राजस्व ग्राम का मुद्दा हल नहीं होता है तो हम खुले दिल से पूरे ग्राम सभा के वासी विरोध करने के लिए तैयार हैं। राजस्व ग्राम नहीं होने की वजह से हमें आज तक 15-20 साल हो गए इंदिरा आवास नहीं मिला, सरकारी सुविधा नहीं मिला, हमारे यहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बन सका, बैंक वाले यहाँ बैंक लगाने को तैयार नहीं है। पिपलिया से शक्ति फार्म तक इतना बुरा रोड हाल है कि आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। छह माननीय विधायक जी का हम स्वागत तब करने के लिए तैयार होंगे जब हमारा राजस्व ग्राम का मुद्दा हल हो जाए। अगर राजस्व ग्राम का मुद्दा हल हो जाता है तो हम इन्हीं हाथों से पूरे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्राम सभा में माला पहनाया जाएगा तो विधायक राजेश शुक्ला जी को पहनाया जाएगा। अगर राजस्व ग्राम का मामला हल नहीं होता है तो मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ खुले दिल से विरोध भी उतना ही होगा जितना कहीं नहीं हुआ होगा। गाँव के लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र, उप बैंक शाखा, जानवरों के लिए अस्पताल, पेयजल के लिए टंकी, बस सेवा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राजस्व बांध, जल भराव की समस्या से निजात, सड़क नाली निर्माण आदि की मांग कर रहे हैं। हम लोग को नाली भी नहीं दिए, हमारे घर में नल भी नहीं है, ऐसे शौचालय नहीं है, हम लोग इधर उधर खुले में जाते हैं और ये लोग सब रोड में देखिए यहाँ से यहाँ तक पानी लगा हुआ है, बहुत हम लोग को परेशानी होता है। कुछ भी शुक्ला नहीं दिया है, हमारे घर भी ऐसे टूटा फूटा है। शुक्ला जी को कुछ करना तो चाहिए, हम लोग देखने भी नहीं आते हैं कि क्या इनको गांव में हो रहा है नहीं हो रहा है, और वोट लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं। हमारा राशन कार्ड है तो हमारा मतलब अमीरी राशन कार्ड बना है, और कहते हैं कि मतलब अब फिर से ये बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं और हमारा झोपड़ी है, डंगर भी है, मतलब डंगरों को पाल के कैसे भी गुजारा करते हैं। हमारे घर के आगे पानी जमा हुआ है और ना रोड है ना नाली है हमारे घर के आगे, ना शौचालय है, हम सब खुले में औरतें जाते हैं। राजेश शुक्ला भी देखने तक भी नहीं आते हैं कि कैसे मतलब किस स्थिति में लोग हैं, हम वोट लेके जीत गए या ये करेंगे आपके घर रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, मंदिर बना देंगे, मंदिर भी देखिए ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। इस गांव में ज़्यादातर एसी वर्ग के लोग हैं और यहाँ मुख्य रूप से असुविधा होती है, अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए तो इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और डॉक्टर को कॉल करो तो वो दो दिन या फिर बोलता है कि मैं बिजी हूँ और अगले दिन आऊँगा। इस वजह से कई डंगर भी मर जाते हैं और उनका उपचार और इलाज भी नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से बिजली का भी इस बड़ी समस्या है, यहाँ आए दिन पोल गिर जाते हैं, एक दिन बारिश हो जाती है तो दो दिन तक लाइट नहीं आती है। स्कूलों की स्थिति भी बहुत ही ख़राब है। हमारे किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ विकास करें। ग्रामीण स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला से खासा नाराज हैं। लोग विधायक शुक्ला पर गांव की उपेक्षा व अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। राजेश शुक्ला हमारे पेंशन लेगा कि दे दिए, हाँ अब लंगर लड़का है हमारे दोपहिया वाले होकर हाथ जो तीन पहिया वाले गाड़ी साइकिल से चलाते हैं उसको भी पेंशन नहीं लगा, जैसे विकलांग है उसका भी कुछ नहीं मिला। हम क्या करें, गरीब आदमी क्या करेगा, हम बूढ़ा आदमी कहाँ जाएगा, बोलो राजेश शुक्ला क्या करिए हमारे सुभाष के लिए, न सुभाष का पिल्सिंग लगा, न सेवती देवी का पिल्सिंग लगा, न मंगरू का अभागंतु है विकलांग है उसके भी कुछ नहीं मिला। आते हैं विधायक जी आपके गांव में कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, मतलब से आते हैं मतलब से जाते हैं। हमारा विधायक राजेश शुक्ला है, उनको कहता हूँ कि हमारा रोड बनाइए तो वो बोलता है हाँ बनेगा बनेगा, बस इतना कह के चले जाते हैं, वो आते भी नहीं है इधर, वो उधर पक्के पक्के में चले जाते हैं। नजीबाबाद की ये बंगाली कॉलोनी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि लगभग 40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन इनकी जो मुख्य सड़क है वो भी नहीं बन पाई है, गाँव के भीतर की जो लिंक मार्ग है वो भी नहीं बन पाए हैं, लोगों को यहाँ पर शौचालय नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। इन गाँव के लोगों का कहना है कि विधायक जी चुनाव के वक्त वोट मांगने हाथ जोड़कर जरूर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद राजेश शुक्ला जी 10 साल में यहाँ झांकने भी नहीं आए हैं और इस बार 2022 में अगर उनकी मूलभूत समस्याएं गाँव के लोगों की हल नहीं होती हैं तो 2022 में लोग
वोट देने को राजेश शुक्ला जी को तैयार नहीं है। 2022 का चुनाव है, आप क्या करेंगे? तब देंगे, रास्ता बनेगा तब देंगे वोट। हाँ, जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मकान है, कोई नहीं, तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गरीब है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बच्चे हमारे बहुत परेशान, आटा नहीं पसा सकते, रास्ता नहीं है। राजेश शुक्ला जी आपके बीच में आते नहीं आते? 6 महीने में, साल में कभी अगर एक बार आते हैं तो उनसे कुछ प्रॉब्लम कहो तो बोला जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। हम लोग अगर बोलते हैं हमें सड़क चाहिए, मकान चाहिए, शौचालय चाहिए, वो हंस के मुस्कुरा के चला जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये चुनाव है, अगला चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इस चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, बनेगा रास्ता, बनेगा तो हमारे को शौचालय मिलेंगे, मकान मिलेंगे, तब हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे वोट। फिर संजोग रखेंगे, अगर वोट से पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो हम वोट देंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ ठीक है जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि हमारा रास्ता बना देगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। किनसे कहना चाह रहे हैं? किनसे? राकेश शुक्ला को। हाँ, राकेश शुक्ला को या और किसको कहेंगे? ना मकान दिया, ना सरकारी कोई अनुदान हम लोगों को मिला है, जब तक हम लोगों का पूरा काम नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? राजेश शुक्ला जी को नहीं देंगे, विधायक को। राजेश शुक्ला जी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं करेगा, जैसे कि मकान है, गरीब आदमी है, ना किसी के पास लाइटिंग है, ना नल है, ना कुछ है, उसने आज तक धक्का नहीं। पिछला लॉकडाउन में एक बार आया था क्या, वो ट्रैक्टर में ओ देने, वो ढाकने के लिए, बच्चर भगाने के लिए आया, बच्चर भगाने के लिए। हाँ यही यार, ठीक है ना, उसको नहीं मिले, मिल पाएगा भाई? हम राजेश शुक्ला जी को वोट नहीं देंगे। हाँ, पहले काम करेगा ये वोट से पहले, तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर कोई समस्या का यहाँ पे कोई हल नहीं है। एक तो यहाँ पे सर रोड की बहुत दिक्कत है, सबसे पहली तो रोड की दिक्कत है। यहाँ पे कीचड़ों में सर बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, और घुटने घुटने भर पानी हो जाता है उधर आगे से। नदी में सर बैग क्या, आदमी पैदल नहीं निकल पाता है। और सर एक और समस्या है, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई मतलब कोई अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई केंद्र नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट वाला कुछ। और सर के हाल उनका बैंक कुछ भी नहीं, बैंक के लिए भी सर यहाँ से बड़ा दूर जाना पड़ता है, बैंक और के लिए 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई सर यहाँ पे वो सवारी नहीं चलती, अपनी सवारी पे जाओ तो जाओ, लेकिन कोई भी हमें वो सुविधा नहीं मिलती है। दरखास्त बहुत बार लगाई, यहाँ कोई भी नहीं आके खुश है, कोई भी नहीं आता। राजेश शुक्ला जी कभी यहाँ पे नहीं आए, बोर्ड के टाइम पे आए, उसके बाद कभी यहाँ कोई चक्कर नहीं। बोर्ड के टाइम पे तो राजेश शुक्ला जी भी आते हैं, उनकी पत्नी भी आती है हाथ जोड़ के, लेकिन जब बोर्ड मिल जाते हैं तब कोई नहीं आता यहाँ पे, बाद कोई नहीं, कोई नहीं आता। और आते भी हैं तो उधर पक्के रोड से घूम के चले जाते हैं, इस कच्चे रोड की तरफ तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि पहले भी जो वोट दिए जीते हैं वो, उसके जीतने के पश्चात भी उन्होंने कोई काम नहीं करवाया इस गली का। सर दो बार तो रोड देख लिया, अगली बार तो बिल्कुल मतलब हम वोट नहीं देंगे जब तक रोड हमारा पहले बन नहीं जाएगा। जल्द ही अन्य गांवों की समस्याएं लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।